हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्यारी की दुनिया। तो आपके सामने हम थर्मल एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन नंबर थर्ड लेकर हाजिर हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन का यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट है। ठीक है, तो यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या लिख रहा होगा, और मैं बोल दूँ आपको ये 11 जनवरी 2019 में पूछा गया ये सवाल जेई मेंस में। क्या क्वेश्चन बोल रहा है पढ़ लेते हैं। टू रॉड्स ए एंड बी ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन, आइडेंटिकल डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ सेम है, आइडेंटिकल डायमेंशन आर एट ए टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर दोनों का 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। इफ ए हीटेड अप टू 180 डिग्री सेल्सियस एंड बी अप टू 2 डिग्री सेल्सियस देन द न्यू लेंथ आर द सेम। ठीक है, ओके। इफ द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए एंड बी इज 4:3 देन द वैल्यू ऑफ टी इज, वैल्यू ऑफ टी पूछ रखा है। ठीक है, तो आई होप आप सवाल समझ पा रहे होंगे। नहीं पा रहे हो तो मैं फिर भी एक बार यहाँ पर एक्सप्लेन फटाफट से कर देता हूँ। तब तक तुम वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, बोल रहा है कि दो रॉड है हमारे पास, रॉड ए रॉड बी। ठीक है, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर जो है टी इनिशियल 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, सही है ना? हाँ, 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये बोल रहा है, फिर इसको बोल रहा है इसको मैंने हीट कर दिया 180 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये है ना, ओके। और इसको मैंने हीट कर दिया टी डिग्री सेल्सियस। अब बोल रहा है कि हीट करने के बाद जो फाइनल लेंथ है दोनों का सेम है, दोनों का सेम है, और इसका अल्फा ए मान लेते हैं और ये अल्फा बी मान लेते हैं। इसका रेशियो अल्फा ए अपॉन अल्फा बी, क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन द रेशियो द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ए एंड बी 4:3 दैट इज 4:3 दे रखा है। ठीक है, सिंपल है, हमने भी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया तुमको फॉर्मूला, तो वहां से करो। क्या होता है फॉर्मूला, देखो इसके लिखो एल डैश इक्वल टू एल इन टू अल्फा ए प्लस, गलती सॉरी वन वगैरह, वन प्लस अल्फा ए डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब कि फाइनल मास इनिशियल। 180 माइनस 30 कितना हो गया भैया बताओ, 150। वैसे तुम्हारे ए के लिए हो गया एल डैश फोर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इंटू वन प्लस अल्फा बी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी निकालना टी माइनस कितना हो जाएगा 30। अब हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड मार देते हैं। डिवाइड क्यों, क्योंकि बेसिकली देखो दोनों का लेंथ सेम है, डायमेंशन सेम है, क्वेश्चन में की वजह से मैंने एल एल सेम लिया है, तो यहाँ से एल एल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एल एल कैंसिल हो जाएगा और एल एल कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस ये बोला है कि क्वेश्चन में ये भी कि जो फाइनल लेंथ है दोनों का सेम है, तो ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेंगे क्या, यहाँ देख रहे फटाफट से डिवाइड मारने पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो वन प्लस का अल्फा बी इंटू टी माइनस 30। यहाँ से हो जाएगा वन प्लस अल्फा ए इंटू 150, तो ये 1 से 1 गया। अब यहाँ से देखो t माइनस 30 इसको नीचे ला लो 150, और ये देखो अल्फा a अपॉन अल्फा b जो किसके बराबर है तुम्हारी 4:3 के, इसको हटाओ यहाँ पर डायरेक्ट 4:3 लिख दो यहाँ से। अब कैंसिल करो कैलकुलेशन, ये देखो यहाँ से कैंसिल 5:15 हो जाएगा। अब क्या करो, 15 हो गया उसको उधर ले जाओ, ठीक हो जाएगा टी माइनस 30, ये इधर जाएगा तो क्या देगा 5 × 4 = 200, डैट इज 200। आई होप समझ रहे हो। ठीक है, अब यहाँ से t इक्वल टू कितना आ जाएगा 230 डिग्री सेल्सियस, दिस इज आवर फाइनल आंसर। डेट मीन्स ये t के वैल्यू है 230 डिग्री सेल्सियस है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। हो कितना सिंपल सवाल पूछा है, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया है उसी से सवाल बन गया, तो काफ़ी सिंपल सवाल है और इसी टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है, जो समझ में आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।